body simultaneously has two velocities, one 30 meter per second east and दूसरी 40 meter per second due north. Find resultant velocity. यार पहले एक लॉजिक बताओ, ऐसा हो सकता है एक बॉडी की एक्चुअल में दो वेलोसिटी हो सकती हैं, 30 भी और 40 भी हो सकती हैं? कैसे? एक अलोंग एक्स एक्सिस तो एक अलोंग वाई एक्सिस. मतलब मान लो एक गाड़ी जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 और आपने यहाँ फोर्स लगाई, अब वो ऊपर भी उड़ेगी विद वाई एक्सिस में वेलोसिटी 40, एक्स में 30. इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, क्योंकि एक्स में मूव करेगी और वाई में भी मूव करेगी, तो ऐसे मूव करेगी. तो ये 2D मोशन की स्टार्टिंग आप देख पा रहे हैं होने वाली है वेक्टर से. तो मान लो एक कार के पास या किसी भी बॉडी के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक ईस्ट की तरफ है और एक नॉर्थ की तरफ है. तो एक वेक्टर ओरिजिन पे ईस्ट का बना लें, एक नॉर्थ का बना लें, ईस्ट के अलोंग वेक्टर ड्रॉ करें. वेक्टर ड्रॉ करें, लाइन मत मारें, फिर काटा मर जाएगा, मतलब जीरो नंबर मिलेंगे. वेक्टर का चैप्टर है, वेक्टर ही ड्रॉ करेंगे, फायदा क्या है? तो ये वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 है और एक नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी है साइमल्टेनियसली जिसकी वैल्यू कितनी है 40. वेक्टर से शो करें. कर दिया. नेट वेलोसिटी निकालनी है. नेट का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है. रिजल्टेंट कैसे निकलता है? ये दो वेक्टर जिनको ऐड करना है, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए या ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो. तो देखो ट्राइंगल मेरे को पसंद नहीं, पैरेललोग्राम बनाता हूँ. इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इजी टू यूज है. फटाफट ट्राइंगल में वेक्टर देखी जाओ कौन सा रिजल्टेंट है, इसमें बस पैरेललोग्राम बनाओ, खत्म हो गया. तो ये इसका डायगोनल है, ये नेट वेलोसिटी है. नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? किन दो वेक्टर्स को ऐड करने उनकी वैल्यूज बोलो कितनी है. एक 30 है और एक 40 है. इनके बीच में एंगल कितना है? 90 है. बीटा मत बोलना, बीटा रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल है. तो दो वेलोसिटी जिनको ऐड करना है उनके बीच में एंगल 90 है. थीटा क्या है? 90, क्योंकि थीटा एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल है जो कि 90 है. तो नेट वेलोसिटी क्या निकलेगी? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90. कॉस 90 जीरो होता है. तो आंसर इज 50. कोई स्टूडेंट आया, वो कहता है यार इतना लंबा, ये तो मैं वैसे ही बता दूंगा. मैंने कहा कैसे? कहता है ये रेक्टेंगल है जी, ये 40, ये 30, तो पता ही है 50. हाँ तो कर लो, किसने मना किया? लेकिन मेरा नाम ना लगाना स्कूल में जाके, ये ना बोलना कि सर कहते हैं कि पाइथागोरस लगा लो. बोलना पैरेललोग्राम लगाया है. ठीक, बोलना पैरेललोग्राम लगाया है, लेकिन मन में मैं भी ये करता हूँ यार, ये 30 है, ये 40 है, तो 50 ही होगा. मैं क्या मन में 90 लूँ, फिर बोलूँ कॉस 90 जीरो है. जब रेक्टेंगल बनते हैं आप सीधा लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन रूल पैरेललोग्राम ही लगाया है. कोई समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये 50 क्लियर है. लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो आपको वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. तो वैल्यू कितनी है? 50. डायरेक्शन के लिए बीटा ले लो, टैन बीटा. अब टैन बीटा का वो एक लंबा सा फॉर्मूला है जिसके साथ एंगल बना नहीं बना, साइन मुझे नहीं याद अभी क्या है वो. तो कोई कहता करने की जरूरत क्या है, ये तो राइट एंगल है भाई, 90 डिग्री है. तो वो लगा सीधा बोलो ना, टैन बीटा दिस साइड बाय दिस साइड, दिस इज 40/30. तो याद क्या करना है, ये लो टैन बीटा 40/30. तो 4/3 का मतलब 1.33. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर टैन बीटा आता 1, है ना, अगर टैन ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आती 1, फिर तो मैं बीटा बोलता 45 डिग्री. लेकिन यहाँ पर तो 1.33 है, मेरे को तो वैल्यू नहीं पता 1.33 पे क्या होती है. तो मैथ में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करके एक एक चैप्टर चलेगा आपका, उसमें सिखाया जाता है कि जैसे टैन बीटा 1 है तो बीटा को लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1. टैन को राइट साइड पे ले जाएं, टैन इनवर्स हो जाता है. टैन इनवर्स 1 या 45 डिग्री एक ही बात होती है. ठीक, ऐसा लिख सकते हैं जैसे टैन ऑफ बीटा की वैल्यू 1.33 है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? टैन इनवर्स 1.33. पर यहीं तक छोड़ देना है. जैसे कल को साइन थीटा 0.73 है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 0.7. अब एंगल नहीं पता तो और कोई तरीका नहीं, ऐसे छोड़ना पड़ेगा. तो एंगल नहीं पता तो टैन इनवर्स 1.33 एंगल है. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, v की वैल्यू और डायरेक्शन कैसे निकलेगी?
रेक्टेंगल बना बना के, ये भी तो आ सकता है। दो फोर्सेस हैं 5 और 7, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री बिटवीन में, एंगल उनके बीच में 60, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो बनाओ पैरेललोग्राम, 5 के पैरेलल ये साइड, 7 के पैरेलल ये साइड, और ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का एंगल बीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 × 5 × 7 × cos of 60। क्या स्टेप क्लियर, सॉल्व करके आंसर आ गया। अब डायरेक्शन के लिए देखो, रेक्टेंगल नहीं है कि आप वो टैन बीटा निकाल दो, अब वही तरीका करना पड़ेगा। टैन बीटा इज इक्वल टू किसके साथ एंगल नहीं बना, 7, तो 7 sin 60 / 5 + 7 cos 60, खत्म। कोई P नहीं, कोई Q नहीं, कोई A नहीं, कोई B नहीं, मैं सीधा लगा देता हूँ, 7 × sin of 60 / 5 + 7 × cos of 60। वैल्यू पुट करो आंसर, टैन बीटा टैन इनवर्स 0.7132 दिया आंसर। अब एंगल नहीं पता होगा, टैन इनवर्स में छोड़ेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, थ्योरी से एकदम हटके है, डिफरेंट है थ्योरी से, सीधा न्यूमेरिकल्स हैं। करो सॉल्व, करो ट्राई करो। क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब ए इज इक्वल टू बी, बराबर है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर का मतलब ए बी के इक्वल है और जो रिजल्टेंट है आइदर के इक्वल है, यानी कि यार ए बी के इक्वल है और आर भी इनके इक्वल ही है, सब एक दूसरे के इक्वल है, क्लियर है, ए बी के इक्वल है और रिजल्टेंट इनके आइदर के इक्वल है, आइदर मतलब किसी के भी इक्वल है, तो मतलब दोनों बराबर है। तो आपको एंगल निकालना है क्या होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला होता है, पर एक काम करें, सारा तो बराबर है, आर स्क्वायर टू आर आर कॉस ऑफ थीटा, वो क्यों, क्योंकि ए भी आर है बी भी आर है, तो हर जगह आर 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 पुट कर दें। क्या स्टेप क्लियर है, ए और बी वैसे आंसर आना चाहिए था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, पर ए और बी तो आर के इक्वल है, तो यहाँ पर आर आर पुट कर दें। तो सॉल्व करो, तो यहाँ स्क्वेयरिंग करो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, जीरो बच गया, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। मैथ्स में कॉस थीटा अगर माइनस हाफ है तो याद रखना थीटा 120 है, कॉस ऑफ 120 माइनस हाफ होता है, याद रखना, दो वैल्यूज याद रखनी है, कॉस ऑफ 120 बहुत यूज होती है इस चैप्टर में, माइनस हाफ है, और कॉस ऑफ 180 बहुत यूज होती है, माइनस वन है, ये दोनों का ही फॉर्मूला रजिस्टर में लिखने हैं, लिख लो, और फॉर्मूला रजिस्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लिखना है, टैन बीटा का फॉर्मूला भी लिखना है, और पैरेललोग्राम का डायग्राम भी बनाना है। तो फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, टैन बीटा का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सारी उम्र नहीं भूलता लेकिन टैन बीटा भूल जाता है, तो टैन बीटा जो पेपर से पहले रिवाइज करना पड़ता है क्या है, तो एक बार नोट कर लेना इसे फॉर्मूला रजिस्टर में, एंट्री को भूलना नहीं चाहिए फॉर्मूला, रजिस्टर तो पूरा मेंटेन होना चाहिए, तो लिखना भी लिख लेना। तो यहाँ तक क्लियर है, रिजल्टेंट का और टैन बीटा का।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर नोट कर लेना, फॉर्मूला रजिस्टर में ये दो फॉर्मूला नोट करना। पहला कि अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल थीटा है और ये बीटा है, तो एक तो आर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, और एक टैन बीटा का फॉर्मूला, टैन बीटा में बी इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये लो, ये दो फॉर्मूलाज को नोट कर लें प्लीज। ठीक, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन को करें प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टू फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड की रेशियो 3 and 5 है तो क्या आएगा? 3f and 5f कर ले, 3x 5x, 3f 5f, कुछ भी, और रिजल्टेंट 35 है और इनके बीच में एंगल कितना है? 60 है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3f का स्क्वायर प्लस 5f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3f इंटू 5f इंटू कॉस ऑफ 60। सॉल्व करें प्लीज और एफ निकालें, जो भी एफ आएगा उसको यहां और यहां पुट करके दो फोर्सेस आएंगे। एफ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, करो ट्राई स्क्वेरिंग करके, सॉल्व करके एफ 5 आ रहा है। ट्राई करें, स्क्वेयरिंग करें, एफ निकालें, एफ आ रहा है, 5 आ रहा है, चेक करें प्लीज।
एफ आ रहा है, फाइव आ रहा है, चेक करें इसको सॉल्व करके, जो एफ आ रहा है वो फाइव आ रहा है, तो दो आंसर आएंगे। 3F का मतलब 3 × 5 = 15, और एक आंसर आएगा 5 × 5 यानी कि 25 न्यूटन। तो दो आंसर्स हैं, ये आंसर्स हैं, एक मार्क्ड है, दूसरा दो होने चाहिए। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्वेश्चन कैसे करना है? देखो कैलकुलेशन तो आप ही करनी है ना, मैं कैसे करूँगा यार, आराम से कर लेना चाहिए, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, बिना क्वांटिटी के हो रहा है ये। 35 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 9 9F² 25F² 15 2 30F² cos 60 हाफ है, 15F² समझेगा, ऐसे आएगा रूट। अच्छा 49 बन रहा है क्या रूट? अच्छा रूट 49, अच्छा फिर तो ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ओके नेक्स्ट देखो, आपको ना ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें ए बी सी डी एक पैलोग्राम है, ये दिख रहा है, ये रहा पैलोग्राम, जिसमें उल्टे सीधे एरो भी गिवन है, कुछ कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, पता नहीं कौन कैसे जा रहा है आगे। वो कह रहा है कि ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर डायगनल्स हैं, दिख रहा है मुझे। वो कह रहा है प्रूव करो ए सी वेक्टर, ये रहा ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 BC वेक्टर। मैं अगर डायग्राम देख लूँ ना, मैं सारी जिंदगी प्रूव ना कर पाऊँ ये कैसे करना है। देखो कोई तुक ही नहीं आई है, इनका समझ कैसे कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आती है अभी, ट्राइंगल लॉ और या पैरेललोग्राम लॉ, और कुछ नहीं आता। ट्राइंगल लॉ लगा लें, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें ट्राइंगल लॉ लग सके, जैसे ये ट्राइंगल लॉ, ये आपका पहला वेक्टर ले लेते हैं, ये आपका वेक्टर है ए बी वेक्टर, ये इसका कॉन्टिन्यूस साइड है ना, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, देख रहे हो? तो क्लोजिंग साइड क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कौन है? ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर इज ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, क्लियर है? ए सी वैक्टर इज ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, क्या ये क्लियर है? पहली स्टेटमेंट क्लियर है। एक और ट्राइंगल लॉ लग रहा है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें, दूसरा ट्राइंगल लॉ लग रहा है ये, देखो यहां से बी सी वैक्टर साथ में ये साइड कंटिन्यू कर रही है सी डी वेक्टर, और ये साइड क्लोजिंग साइड है, देख रहे हो? ये क्लोजिंग साइड है, तो यानी कि बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? बी डी वेक्टर रिजल्टेंट है बी सी एंड सी डी का, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, मेरे को पहले ये प्रूव करना है। एक काम करो, ए सी वेक्टर की जगह ये पूरा का पूरा पुट कर दो, बी लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड, बी डी वैक्टर की जगह ये पूरे का पूरा पुट कर दो। तो देखो ए सी और बी डी लेफ्ट हैंड साइड, ए सी वैक्टर की जगह ये पूरा पुट कर दो, बी डी वैक्टर की जगह पूरे का पूरा पुट कर दो। वैक्टर मत हटाना, वैक्टर में चलने दो सब कुछ, वैक्टर हट गया क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है यहाँ तक? ट्राइंगल लॉ में वैक्टर लगते हैं पूरे। अब ये चार साइड चार वैल्यूज आ गई, ए बी बी सी बी सी सी डी, ए बी बी सी बी सी सी डी। अब ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अच्छा एक और चीज़ प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 2 BC वेक्टर, राइट साइड पे आना चाहिए 2 BC वेक्टर। मैं अगर ध्यान से देखूं, 2 BC वेक्टर तो आ चुके हैं, किसी तरीके से ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए। अब डायग्राम देखना पड़ेगा, ए बी और सी डी देख रहे हो, ये ए बी और ये सी डी, ये बराबर है, ए बी की लेंथ सी डी की लेंथ के इक्वल है, लेकिन फर्क कहाँ है? डायरेक्शन की फर्क है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। हमने नेगेटिव वेक्टर सीखा था, तो नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन में फ़र्क है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जहाँ ए बी वेक्टर है, नीचे ए बी वेक्टर, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? माइनस सी डी वेक्टर, तो बाकी सब सेम। अब ये सी डी और सी डी कैंसल, आंसर 2 BC वेक्टर आंसर आ गया। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे प्रूव करना है? जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही लगेगा, ऐसे भी वेक्टर आ सकते हैं, मतलब कोई रिजल्टेंट नहीं फॉर्मूला नहीं, बट ट्राइंगल लॉ से ही आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? चलो दूसरा दूसरा प्रूव करते हैं, ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर। चलो ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर, ए सी वैक्टर हम निकाल चुके हैं, बी डी वैक्टर हम ट्राइंगल लॉ से निकाल चुके हैं,
एसी वेक्टर की जगह एसी वेक्टर, बीडी वेक्टर की जगह बीडी वेक्टर। तो ऐसे ओपन करें, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस बी सी माइनस सी डी, ये टर्म आ गई। मुझे दिख रहा है बी सी से बी सी क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बच गया सी डी। पर मुझे प्रूफ क्या करना है, टू टाइम्स ए बी। तो देखो ए बी एक तो है, दूसरा सी डी है। देखें सी डी वैक्टर, अभी मैंने क्या बताया था अभी आपको, ए बी वैक्टर इज माइनस सी डी वैक्टर। क्यों ना ऐसा करें, सी डी वैक्टर इज माइनस ए बी वैक्टर लिख सकते हैं, माइनस राइट लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो सी डी वैक्टर की जगह माइनस ए बी वैक्टर, माइनस माइनस प्लस आंसर। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रूफ करने के। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?